बटाला जिला बनाने लई वख वख पार्टियां वलों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसे नूं लैके बटाला विच शिवसेना आजाद पार्टी अते सर्वशक्ति ह्यूमन राइट्स वलों सांझे तौर पर एस डी एम के दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके बटाला जल्द जिला बनाने की मांग की गई। बटाला के गांधी चौंक विखे मुख्यमंत्री का पुतला फूकिया गया। इस मौके एक निहंग सिंह ने अपनी शमशीर काढ के मुख्यमंत्री के पुतले ते कई वार किए अपनी भड़ास कढ़ी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने 19 जुलाई तक बटाला नूं जिला ना बनाया तो 20 जुलाई तो अणमिथे समय लई भुख हड़ताल से बैठा जाएगा। हाँ, पुतले सिर के फूकिया कैप्टन सरकार ने, सुनता नहीं। एक तो उन्हें जिन्हें भी लोगों ने वादे किए सारे ही झूठे वादे से। ना बच्चों नौकरियां मिली, ना बच्चों ने कुछ सोचा। इन्हें जे बत्ती बिलवासी ने किया, व्यापार मंडल ने भी इन्हें कहा कि व्यापार से बत्ती सस्ती की जाएगी, नहीं की गई। आम घर से भी बत्ती अभी तक सस्ती नहीं हुई। उस तो बाद आप एक मंग की गई सी कि बटाले में एक जिला बनाया जाए। ये जी मंग है 20 साल तो चलती पी है। बढ़ाई तो कैप्टन दिन जून ही सिरकती पी और कन्ना के बच्चे रूह पै गए हैं। अज आप उ कड़ना से आई सी। अज मैं तीन संस्था वालों आई हाँ, सर्वशक्ति सेना, ह्यूमन राइट्स सारी पंजाब संरक्षण, व्यापार मंडल, भारतीय व्यापार मंडल वालों में आई हाँ। मैं NGO वाली हुई, मैं किसी पार्टी वालों नहीं आई, क्योंकि साड़ा अपना घर है बटाला। मैं अपनी लड़ाई नहीं, पूरे अपने पूरे शहर की लड़ाई लड़ने वास्ते आई हाँ। ये पार्टी बंदी कोई नहीं हैगी। क्योंकि वो रूसाना बहुत बिजी थे तो मैंने लगता कि रूसाना ने बिजी रहना, उन्हें कुछ नहीं करना। तो लोगों अज मैं अपील करती हाँ कि आने वाले समय जो चोन इलेक्शन होने ने 100 साल बच के अजा पुतला कैप्टन सरकार के खिलाफ है, क्योंकि मलेरकोट ने जिला बनाता। पर जी बटाले की 25 साल तो इधर आ जाओ 25 साल तो मंग आ रही है, वो तो कैप्टन ने कोई असर नहीं किया। जिसे विरोध में आप लगातार अंदोलन छड़न डे हाँ, अंदोलन कर रहे हैं, पर कैप्टन सरकार की कन्ने के उपर कोई छू नहीं सकी। जिसे विरोध में आप अच्छ गुस्से जाके बटाले का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जरा फूका गया वा। हजे तक सू कोई सुनया नहीं आया जी। लगभग 3 महीने हो गए जी। सा तो बाद अभी 20 जुलाई का प्रोग्राम दिता कि 20 तरीक जो नहीं करते 20 तरीक तो निश्चय क्लीन भुख हड़ताल जी शुरू की जाऊगी। नहीं साहब, एक पासे ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। बटाला जिला बनाने लई वख वख पार्टियां वलों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसे नूं लैके बटाला विच शिवसेना आजाद पार्टी अते सर्वशक्ति ह्यूमन राइट्स वलों सांझे तौर पर SDM के दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके बटाला जल्द जिला बनाने की मांग की गई। बटाला के गांधी चौंक विखे मुख्यमंत्री का पुतला फूकिया गया। इस मौके एक निहंग सिंह ने अपनी शमशीर काढ़ के मुख्यमंत्री के पुतले ते कई वार किए अपनी भड़ास कढ़ी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने 19 जुलाई तक बटाला जिला ना बनाया तो 20 जुलाई तो अणमिथे समय लई भुख हड़ताल से बैठा जाएगा। हाँ, पुतले सिर के फूकिया कैप्टन सरकार ने, तो सुनता नहीं। एक तो उन्हें जिन्हें भी लोगों ने वादे किए सारे ही झूठे वादे से। ना बच्चों ने नौकरियां मिली, ना बच्चों ने वैसे कुछ सोचा। इन्हें जे बत्ती बिलवासी ने किया, व्यापार मंडल ने भी इन्हें कहा कि व्यापार से बत्ती सस्ती की जाएगी, नहीं की गई। आम घर से भी बत्ती अभी तक सस्ती नहीं हुई। उस तो बाद आप एक मंग की गई सी कि बटाले में एक जिला बनाया जाए। ये जी मंग है 20 साल तो चलती पी है। बढ़ाई तो कैप्टन दिन जून ही सिरकती पी और कन्ना के बच्चे रूह पै गए हैं। अज आप उ कड़ना से आई सी। अज मैं 3 संस्था वालों आई हाँ, सर्वशक्ति सेना, ह्यूमन राइट्स सारी पंजाब संरक्षण, व्यापार मंडल, भारतीय व्यापार मंडल वालों में आई हाँ। मैं NGO वाली हुई, मैं किसी पार्टी वालों नहीं आई, क्योंकि साड़ा अपना घर है बटाला। मैं अपनी लड़ाई नहीं, पूरे अपने पूरे शहर की लड़ाई लड़ने वास्ते आई हाँ। ये पार्टी बंदी कोई नहीं हैगी। क्योंकि वो रूसाना बहुत बिजी थे तो मैंने लगता कि वो रूसाना ने बिजी रहना, उन्हें कुछ नहीं करना। तो लोगों नूं अज मैं अपील करती हाँ कि आने वाले समय जो चोन इलेक्शन होने ने 100 साल बच के। अजा पुतला कैप्टन सरकार के खिलाफ है, क्योंकि मलेरकोट ने जिला बनाता। पर जी बटाले की 25 साल तो इधर आ जाओ 25 साल तो मंग आ रही है,
ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਣ ਡੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਤਲਾ ਧਰਨੇ? ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀं ਕਰਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਲੀਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।